टेंशन मत कीजिए, खाना हम बना देंगे। काहे के लिए रो रही है? तो बनाई ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? भगवान करे कि आप सब अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जैसे कि हम हैं। चलिए चलते हैं आंगन में, देखते हैं मैडम हमारी क्या कर रही है। ठीक है, आइए आइए, तो देखते हैं क्या कर रही है, कुछ तक क्या की है। देखिए, अभी तक पता नहीं क्या क्या की है। और बच्चे लोग देखिए इधर क्या खा रहा है, क्या खा रहे हो? देखिए क्या है, क्या है बेटा? खाजा है। देखिए दोस्तों, इसको खाजा बोलते हैं। देखिए थोड़ा नजदीक से आपको दिखाते हैं। देखिए ये देसी नारियल पानी है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मीठा लग रहा है? मम्मी के लिए रखी है। दे दो मम्मी को, दे दो। देखिए मम्मी के लिए रखी है। देखिए मम्मी क्या कर रही है, देखिए तो। देखिए दोस्तों क्या कर रही है, क्या कर रही है जी? हाँ, सब्जी काट रही है। सब्जी काट रही है, प्याज काट रही है। देखिए बोल रही है कि सब्जी काट रही है। सब्जी काट ली। देखिए सब्जी काट चुकी है। कौन सा सब्जी है? करेला का सब्जी। और रो भी रही है यार, देखिए तो रो का रही है जी। प्याज काट रहे हैं इसीलिए रो रहे हैं। मैं समझा कि खाना बना रही है इसलिए रो रही है का? खाना बना रही है इसलिए रो रही है? ये करेला का सब्जी बन रहा है दोस्तों, देखिए। और इसके लिए प्याज इतना काट कर रखी है, देखिए इतना ज्यादा। करेला का सब्जी में प्याज ज्यादा ना पड़ेगा? बहुत तेज धूप निकल गया है दोस्तों, बहुत तेज। क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है, इतना तेज गर्मी है ना। ऊपर देखिए कौन सा टीन वाला पत्थर है, टीन वाला पत्थर है। इसमें गर्मी लगता है कि ठंडा जी? बहुत ठंडा लगता है। पूरा ठंडा ठंडा कुल लगता है। अभी भैंस को नहलाए हैं, गर्मी से पूरा चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा, तो भैंस को नहलाए हैं। उसके बाद खुद नहाना है अभी, बाकी नहाएंगे फ्रेश होएंगे। उसके बाद जाना है दवा खाना में, दवा कराने के लिए। बहन के आंख में ऐसे कुछ निकल गया है, उसका ही दवा कराने के लिए जाना है। खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, पहले तो खत्म हो जाता था, आता था थोड़ा सा आंख में ऐसे फोड़ा फुंसी की जैसा, खत्म हो जाता था। अब खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत दिन से है, मतलब उसको दवा चलाना पड़ेगा। अब दिखाने जा रहे हैं, और मैडम रोने के साथ साथ मेरे को भी रुला रही है। देखिए अब मेरे आंख से भी आंसू आए। ये घर का है ना, ये घर का है दोस्तों, प्याज मौसा का घर का है, मौसी मौसा का घर का है। कितना रो रही है? ओहो, टेंशन मत कीजिए, खाना हम बना देंगे। काहे के लिए रो रही है? तो बनाई ना। मेरे रहते हुए काहे रो रही है, मैं भी तो रो रहा हूँ। ओहो, देखिए दोस्तों कितना है प्याज में जलन बाजी। प्याज में बहुत तेज जलन है दोस्तों, बहुत तेज जलन है प्याज में। मालिक हो, बहुत ज्यादा ये हो रहा है। और क्या, सब्जी तो करेला का हो गया, और क्या बनाई है? और सिर्फ भात, सिर्फ बनाई, चावल बनाई है अभी, दाल सब्जी बनाना बाकी है दोस्तों। चावल खाली इधर गैस पे बनाई बना ली है। थोड़ा थोड़ा आवाज कर रहा है, देखिए इनका देवर जी, देवर जी बोलती है इनको। बंद कर दी है गैस, चावल रेडी हो गया है। अब लकड़ी पे बनाएंगी सब्जी और दाल, उधर धूप में बैठ के, आंगन में पूरा धूप आ गया है, वहीं बैठना है। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। दोस्तों किसे किसे पसंद है करेला की सब्जी? पसंद नहीं। देख लीजिए कितना ज्यादा, ये देखिए तो कितना ज्यादा आंसू आ गया है। और पसीना दोनों साथ साथ आ रहा है।
जाता है, सब प्याज लाकर रख दे। देखिए बहुत मुश्किल है दोस्तों, इतना ज्यादा ऐसे लग रहा है कोई देखेगा तो बोलेगा कि मैडम को रुला रहा है क्या जी, मार रहा है क्या, मारने से ज्यादा, मारने से ज्यादा दर्द है। देखिए अब बैठे क्या कर रही है जी, चलिए खाना बनाइए। है सुस्ता रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ज्यादा रो रही हूँ इसीलिए। सुस्ता रही है, ज्यादा रुला दिए तो क्या करें, हम रुलाए हैं कि प्याज रुलाया है, प्याज काहे के लाए थे, अच्छा प्याज नहीं लाना था, प्याज देसी प्याज है इसलिए। देखे दोस्तों थोड़ा सा आंख से आंसू आ गया तो बैठ के आराम कर रही, मगर धूप में बैठेंगे लेट तक चलेगा। आज नहीं बनाएंगे खाना, आप बनाइए जाकर। चावल है ना उसमें नमक डालेंगे या पानी डालेंगे, ऐसे ऐसे दबा दबा के उसको मार भात बना के खा लेंगे, ठीक है, आराम ही आराम। सादा सबका दादा, बेस्ट लगेगा। चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, देखिए हम चावल पानी बनवा रहे हैं कि चावल सब्जी बना रहे हैं। चलिए चलिए उठिए, चलिए कमल डाल देता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, मम्मी पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। देखिए कचरा कौन किया है, यही खाई है, यही खाई है, आप नहीं खाई है, हाँ। देखिए आंगन में कितना ज्यादा हो गया फूल दोस्तों, बहुत तेज भूख लग रहा है। ये पूरा देसी है जुगाड़, देसी जुगाड़। देखिए ये क्या है, धूप में लोक रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चूहा का बच्चा है कि खरगोश का बच्चा है, गिर जाएगा जंप मारेगा बस मर जाएगा, लाइए नहीं इसको। देखिए दोस्तों कितना छोटा, छांव में लेकर आइए, छांव में लेकर आइए, फिर जाके वो बराबर दिखेगा, धूप में नहीं दिखेगा कैमरा के सामने। ये देखिए ये क्या ले रखी है, थोड़ा नजदीक कीजिए कैमरा के पास, कितना अच्छा सा लग रहा है कि देखिए बिल्कुल छोटा बच्चा है, खेत में मिल गया था तो लेकर के चले आए हैं, बच्चे लोग खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी दूध पिलाए हैं इसको, भैंस का दूध पिलाए हैं सिरिंच से, इंजेक्शन से, छोटा है एकदम, बिल्कुल बच्चा आ रहा है, बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा फिर। देखिए मैडम को मोहब्बत कर रही है खरगोश से, हाँ बहुत क्यूट है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन सा खराब लग रही हैं, आप भी तो अच्छी लग रही हैं, बेस्ट। दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं, देखिए हमारी मैडम कितना शानदार चावल दाल सब्जी बना के दे रही है, आप लोग को भी इनवाइट कर रही हैं, कर रही हैं जी। जी दोस्तों जिसे खाना है करेला का सब्जी, और एक और बात बताने वाले हैं, कल मैडम गुस्सा होकर भागने जा रही थी, देखिए वो कपड़ा इधर रखी है, देखिए वो कपड़ा खोल के मैं उस पर मिट्टी पानी में डाल दिया तो बोल नहीं तो जा रही थी अपने मायके, बोल रही थी मैं चली जाऊंगी, बहुत मुश्किल से अकेला करना पड़ता है ना दोस्तों, इसीलिए गुस्सा आ गई थी, थोड़ा सा गुस्साना नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए हम बना रहे हैं खाना, में तो ज्यादा धूप आ जाएगी, चलिए बनाइए। बहुत तेज धूप है, आंगन में बनाना है दोस्तों, इधर ये देखिए इधर अपना लकड़ी का ये है चूल्हा, इसी पे बनाएंगी। देखिए दोस्तों हम इसी से दूध पिलाते हैं खरगोश को, ये तो ड्रॉप दवाई है। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं, अभी दिखाते हैं तो कितना धूप आ गया है, देखिए इधर अब मैडम इधर देखिए करेला का भुजिया बना रही है, ये कितना बेस्ट लग रहा है, कितना धुआं भी निकल रहा है, देखिए हाथ में ले क्या बैठी हुई है, देसी नारियल खाने वाली है, हाँ इसका शॉर्ट वीडियो बना कर डाल देंगे नहीं जी, हाँ इसका शॉर्ट वीडियो कल का डाला हुआ है तो अच्छा चला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, अब बहुत ज्यादा मीठा भी लगता है, बहुत ज्यादा इसमें से पानी निकलता है, बेस्ट। अभी क्या बोलते हैं जुआया नहीं है क्या, हाँ मतलब ज्यादा टाइट नहीं हुआ है, पानी है इसके अंदर, इसको
खाएंगे तो पानी निकलेगा बिल्कुल नारियल पानी के जैसा, मजा आ जाएगा। मजा आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत मीठा। ये तो चेन्नई में हैदराबाद की तरफ मार्केट में बिकता है, हमारे इधर बिहार में नहीं बिकता है दोस्तों। इधर बस फ्री का मिलता है, खा लेता है आदमी कोई कोई। गर्मी में तो बहुत डर के खाता है आदमी, पेट दर्द हो जाता है। चम्मच लाइए, इसे काट काट के खाएंगे। बहुत मुश्किल है दोस्तों, देखिए मैडम हमको डांट भी रही है। कहा चम्मच लाइए, चम्मच मांग रहे हैं तो डांट रहे हैं। ठीक है ला रहे हैं, मुश्किल नहीं है। देखिए दोस्तों चम्मच ला करके देना पड़ा। देखिए खा रही है, देखिए खा के दिखाइए जी कैसा लग रहा है। वाह, ऐसा लग रहा है केक खा रही है क्या, कि आइसक्रीम खा रही है? हैं? केक से आइसक्रीम से अच्छा है, बहुत ज्यादा इसमें मजा आता है, विटामिन मिलता है। देखिए दोस्तों वाह, आवाज भी किया है जी निकालने से, चीक बोल रहा है चीक। देखिए दोस्तों हमारा खाना भी दाल और सब्जी इधर बन रहा है और धूप इधर से चल रहा है। हाँ देखिए बाहर कुछ भी नहीं डाले, कपड़ा सुखाने के लिए है बस, वही उसी से जो छांव है तो है। देखिए दोस्तों आ गया है हमारा खाना, ये दाल चावल और एक करेले का भुजिया है और एक खीरा है। और देखिए मैडम इधर खा भी रही है, हाँ भूख लग गया है ज्यादा। आज ये दोस्तों खीरा दे रही है, बहुत तीता लग रहा है बहुत ज्यादा तीता है, कोई कोई तीता लगता है खीरा, तीता लगने वाला देसी है ना इसलिए तीता लग रहा है, मुश्किल नहीं है। चप्पल वप्पल पहन के ऐसे कुछ बीज लगाने में प्रॉब्लम होता है इसीलिए तीखा लगता है, पैर रखा होगा। हाँ इसके पौधे पे पैर पड़ जाएगा तो तीखा लगना शुरू हो जाता है, काकड़ी खीरा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। ठीक है, और ये रहा हमारा खाना, मैडम तो खा ही रही है, मेरे को भूख लगी है बहुत तेज दोस्तों, अब मेरे को भी खाना खाना पड़ेगा।